एक बार आप सब लोगों को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज है रक्षाबंधन और भाई सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई हम भी रक्षाबंधन मना रहे हैं, पूरा परिवार हमारा एक साथ हो गया है। हेलो करो सब। भाई इसमें रखा है राखी, धूप बत्ती, इसमें है पकौड़ी, इसमें है गुलाब जामुन और नीलम पहनाएगी सबसे पहले वंशु को। ये है भाई श्रियांश और श्रियांश को पहना रही है नीलम राखी। अरे आरती होती है बेटा, आरती बोलते हैं इसको। ये देखो भाई वंशु के लिए लाइट वाली राखी है, भेजी है निकिता दीदी ने गांव से। अरे टाइट बांध दी क्या, ज्यादा नहीं हो रहा दर्द, हल्की तो बांध रखी। इस वंशु का हाथ देखो कितना प्यारा लग रहा है, वाओ। उसे तो आधा दे। ये पूरा पूरा खाएगा, पूरा दे दे उसको पूरा, ले हाथ में पकड़ ले, शाबाश। ये है भाई लबिशा, लबिशा हाँ अब देखी। वंशु सारी निकालने लग गया, क्यों निकाल रहे हो, दर्द हो रहा। अब पहना रही है दीदी भाई को राखी। तो भाई अब शानू और दीदी आपस में राखी बांधेंगे एक दूसरे को और आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। शानु बहुत सुंदर लग रही है आज। तू हमें से लगी थी ये कब कब लगी? अच्छा आज आज मैं बोली। सबको राखी पहना दी है, अब हम फैमिली फोटो खींचेंगे भाई, काफी दिनों बाद हम एक साथ हैं तो एक साथ बने रहने की याद है, फोटो के साथ और वीडियो के साथ शेयर करते हैं। एक बार आप सब लोगों को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। हंसते रहे और मुस्कुराते रहे और देखते रहिए ब्लॉग्स। तो भाई अब है स्पेशल गिफ्ट देने की बारी। हाँ। तो भाई अब मैं गिफ्ट लाता हूँ सबके लिए और सबके चेहरे पे खुशी लाता हूँ, जो चेहरे मुरझा रखे ना कि गिफ्ट नहीं मिला अभी तक। इसी पे बांधते हैं। गिफ्ट देने की बारी आ गई है और दो दो भाई देंगे अपनी बहनों को गिफ्ट। चलो चाची आप बनाओ ब्लॉग, लो एक लक्ष्य दीदी को दे दो और नीलम दीदी को दे दो। चलो पैर छू, छूले छूले अच्छा लगता है। अल्लाह भी सदी को उसके छूले पैर छूले मच्छू मच्छू वंशु की तरफ से है, ठीक है। वंशु भाग गया ना बाहर नीलम का। ये किसने दिया, चाची ने। चलो मतलब गिफ्ट हो गया ये, ठीक है। और साथ में दक्षिणा और आशीर्वाद। बस 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 चल अब आगे चेहरे पे मुस्कान ले। अभी और है, अभी और है। अब बड़े भाई देंगे दीदी को गिफ्ट, भुल्ली को अपने। मैं भी बनाऊंगा अब। लविसा ये अब जीता है। लो कपिल तेरी राखी पहुंच गई बात, ठीक है। पहुंची बात जब नहीं मिलता है ये पहुंच गया। खुश हो गए भाई अब दीदी। लविसा भी खुश होगी, चमक आ गया देख। नीलम भी खुश।
खुशियों का त्योहार ऐसे ही मनाते रहिए और बस सेलिब्रेशन हो गया है, अब खाना वाना खाएंगे भाई। तो गाइज अभी रोटी बना रही है शानू, पूरियां पकौड़ियां तो पहले बन गई थी, इसमें बन रही है चाय। मैं कुछ नहीं बना रही, मैं सिर्फ खड़ी हुआ मैं कुछ काम नहीं करूंगी भाई। अब नाश्ता करेंगे हम, उसके बाद मुझे ड्यूटी भी जाना है। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है और मैं रेडी हो गया भाई, अब मुझे ड्यूटी जाना है। तो इनका नाश्ता अब हो रहा है, तो दीदी लोग पता नहीं यहाँ रहेंगे या जाएंगे, इनका कुछ डिसाइड नहीं है अभी। नहीं रुकेंगे तो आपको लंच के टाइम पे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। भाई देख रहा हूँ ना आज है, देख रहा हो अच्छा चश्मा पहनता हूँ यार। अब सही लग रहा ना, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही। गाइस अभी बस गया है दिन का 2 और भाई अभी मैं लंच पे आया और मस्त आज मैं नई दही लाया भाई। मैं लाया था दीदी लोगों के लिए, आनंदा वाली बहुत अच्छी दही है, 40 रुपए की है। लेकिन जिनके लिए लाया ना मैं, उन्होंने खाना खा लिया। ये देखो बैग लगा के, मेरा बैग मत गिरा ऐसे। तुम्हारे लिए मैं दही लाया, तुमने खाना पहले ही खा लिया हैं? इतनी अच्छी दही लाया था मैं तो भाई दीदी लोगों की तैयारी हो गई है, इन्होंने खाना मैं खा लिया और भाई मेरा भाग गया पहले ही। तो गाइस अभी लंच वगैरह होने के बाद दीदी लोग और लविशा दोनों अपने घर जा रहे हैं। तो भाई रेडी हो गए हैं, सब रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गया हूँ। तो चलो इनको छोड़ के आते हैं भाई, चलो आप भी चल रहे। हाँ। तो गाइस सबको पिटा दिया मैंने, पिटा दिया मतलब सबको रास्ता पिटा दिया। तो गाइस कार में लेके चलता हूँ इन सबको, तो बस में बिठा दूंगा फिर। तो गाइस सबको बिठा दिया कार में और भाई पहली बार ना इतने ज्यादा लोग कार में बैठ रहे हैं आज, तो जरा काउंटिंग करते हैं। 5 सीटर है, 8 सीटर। कितने काउंट करना? 1 2 3 4 5 6 7 7 बस क्या हो रहा है वहां पे? मैं लगे 8 ना। हाँ तो 8 लोग जरा बढ़ते की नहीं गोड़े लो। 8 लोग बैठ रखे भाई आज गाड़ी में पहली बार। चलो फिर चलते हैं, घूम जाए कहीं है टाइम से। आप देखो ना हमारे पास हमने कपड़े निकाले। चलो चलते हैं, जय भोलेनाथ जय भोले। तो गाइज मस्त यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो वोटो शूट कर लिया फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगता है ना, तो बहुत अच्छा लगा फोटो वोटो खींच के। और भाई अब चलते हैं वापस घर, दीदी लोगों को जाना है अपने घर सेले कोई, तो इनको छोड़ता हूँ फिर चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे बस स्टॉप पे हम आ गए हैं, तो भाई दीदी और लिपशा जा रहे हैं अपने घर अब, तो भाई तैयारी हो गई है इनकी। चलो भाई बाय कर दो सब, बाय कर दो। तो गाइज पहुंच गए हैं अपने घर, तो चलो भाई उतरते हैं। गाइज बज रहा है 17:33, भाई अभी जा रहा हूँ लैब में, चलता हूँ, छुट्टी तो थी नहीं मेरी आज। वंशु पर जाओ यार आप, जाओ पर जाओ, बार बार नहीं खेलते कुत्ते के साथ, जाओ पढ़ जा। गाइस अभी समय हो रहा है 8:30 रात का और भाई अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ लैब से,
तो शानू जी यहाँ पे बना रही हैं आज स्पेशल डिश। बताना क्या है आपकी स्पेशल डिश आज? थोड़ा तेज बोलना, क्या है? टमाटर प्याज। टमाटर प्याज? तो भाई ये जो है ना, ये कढ़ाई में है टमाटर और प्याज, तो ये फ्राई हो चुका है और इसका शाही पनीर बना रही है। नीलम वहाँ पे कुकड़ू बन के पता नहीं क्या कर रही है, फोन भी देख रही, आटा भी निकाल रही, सब चल रहा है कार्यक्रम। अंदर वंशु की किलकारियाँ सुनाई दे रही हैं। माँ यहाँ पे बैठी है, थकान मिटा रही है पूरे दिन भर की। तो यार रक्षाबंधन का दिन काफ़ी अच्छा रहा हमारा, है ना? ठीक लग रही, बढ़िया रहे नी? हाँ। भी हमारा डिनर हो गया मस्त, और भाई शाही पनीर खा के मज़ा ही आ गया, और अब खा रहे हम मस्त मिठाई, रक्षाबंधन की मिठाई। देखो मैं डब्बा लाया पंजीरी लड्डू, और भाई इसके अंदर देखो ये था, और इसके अंदर था भाई ये, इसके अंदर था ये, देख लो। मतलब डब्बा इतना बड़ा बना रखा ना बाहर से, नहीं 4, 4, 8, 4, 12, इसमें 12 हैं, और बाहर से डब्बा ऐसा लग रहा था इसमें 20-25 होंगे। तो भाई आजकल सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये है भाई अपना दूध मस्त वाला।